सुंदरी चिड़िया तो लकड़ी का काम करती थी। वो सुबह से लेकर शाम तक जंगल में लकड़ियाँ काटती रहती थी। सुंदरी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। आज सुंदरी चिड़िया जब शाम के वक्त अपने घर में, सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू को हैरान देखकर कहती है, कुकू मेरे बेटे, क्या बात है, आज तुम बहुत ही हैरान बैठे हो। मम्मा, आज के बाद मैंने स्कूल नहीं जाना। कुकू मेरे बेटे, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों नहीं जाना मेरे बेटे ने स्कूल? मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छे अच्छे बैग हैं और अच्छी वर्दी, मेरे पास फटी पुरानी वर्दी के सिवा और फटे हुए बैग के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे सभी दोस्त और मेरे टीचर्स वो सभी मुझे यही कहते हैं कि तुम नया बैग और नई वर्दी क्यों नहीं ले रहे। मेरे दोस्तों हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे कुकू मेरे बेटे, मैं अपने बेटे को बहुत जल्द नई वर्दी और नया बैग ले दूंगी, बस थोड़े से पैसे मेरे हाथ आ लेने दो। मम्मा, हर रोज़ मुझे मेरे उस्ताद ये कहते हैं कि कुकू तुम्हारी वर्दी कहाँ पर है। मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरी मम्मा को जब पैसे मिलेंगे तो तब हम लोग नई वर्दी ले लेंगे। और आज मेरे टीचर्स ने ये कहा है कि अगर सुबह तुम नई वर्दी नहीं पहन कर आए तो तुम स्कूल मत आना। तो मैंने फैसला किया है कि मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाया करूँगा। अच्छा कुकू मेरे बेटे, चलो मैं सुबह अपने बेटे की वर्दी के लिए कुछ करती हूँ। सुबह मैं उस चील से कहती हूँ कि आप मुझे 2 दिन के पैसे एडवांस दे दें ताकि मैं अपने बेटे कुकू के लिए अच्छी वर्दी और अच्छे शूज़ खरीद सकूँ और साथ में एक अच्छा सा बैग भी। अच्छा कुकू मेरे बेटे, शाम होने वाली है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से हाथ मुँह धोकर भोजन खा लो। तो ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, अरे कुकू मेरे बेटे, तुम ऐसा करो अब स्कूल चले जाओ और जाकर अपने उस्ताद से कहना कि आज तुम्हारी नई वर्दी और नया बैग आ जाएगा। नहीं नहीं मम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि जिस दिन मेरे पास एक नई वर्दी और नया बैग होगा उस दिन ही मैं स्कूल जाऊंगा, वरना नहीं तो मैं स्कूल को छोड़ दूंगा। मैं तो आपके साथ आपके काम में हाथ निपटाने के लिए शुरू हो जाऊंगा। अच्छा कुकू मेरे बेटे, तुम्हारी अगर यही ज़िद है तो चलो फिर, मैं अब काम पर चलने लगी हूँ। मेरे पीछे से तुमने घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना, समझ गए ना मेरी बात? हाँ मम्मा, मैं आपके पीछे से बाहर नहीं जाता, मैं तो घर में खेलता रहूँगा। फिर सुंदरी चिड़िया ऐसा करती है, वहाँ से उठकर जंगल में काम के लिए चली जाती है। सारा दिन वो वहाँ पर लकड़ियाँ काटती रहती है। शाम के वक्त सुंदरी चिड़िया उस ठेकेदार चील के पास जाती है जो कि लकड़ी का व्यापार करती थी। सुंदरी चिड़िया जाकर उस चील से कहती है, अरे चील जी मेरी बात सुनो, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी सुंदरी चिड़िया, कौन सी बात करनी है तुमने, बताओ तो सही। अरे चील जी, मेरे बेटे कुकू की नई वर्दी नहीं है, उसकी वर्दी तो फटी पुरानी सी है और उसके पास एक नया बैग भी नहीं। मेरा बेटा हर रोज़ मुझे तंग कर रहा है, वो कहता है कि मुझे नई वर्दी और नया बैग लेकर दो। तो मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लेने हैं, आप ऐसा करो कि 2 दिन के पैसे मुझे एडवांस दे दो और मैं वो वाले पैसे आपको काम में कटवा दूंगी। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हारे पास अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं तो तुम उसको स्कूल में क्यों भेजती हो? अरे चील जी, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ। अरे सुंदरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो कि मैं तुम्हें एडवांस में दे सकूँ। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा पक्षियों को एडवांस दे चुकी हूँ, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, वरना मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे तो देती। मेरे पास अब देख लो, नहीं यकीन तो मेरे घर में जाकर देख लो, 1 पैसा भी नहीं है मेरे पास। अरे अरे चील जी, मैंने आपके ऊपर पूरा विश्वास किया हुआ है और मुझे आप पर विश्वास है, आप कभी भी झूठ नहीं बोलती। अच्छा चलो मैं फिर कुछ और ही बंदोबस्त कर लेती हूँ। अच्छा सुंदरी चिड़िया, तुम ऐसा करो, 1-2 दिन तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे, लकड़ी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, मैंने बस इसको बाज़ार में बेचने जाना है। अगर सुबह नहीं तो परसों मैं इसको बेच दूँगी, फिर उसके बाद तुम जितने चाहे पैसे ले जाना मुझसे एडवांस। फिर सुंदरी चिड़िया उस चील का शुक्रिया अदा करती है और वो वहाँ से उठकर परेशान होकर चली जाती है।
उड़ती उड़ती वो एक जंगल में पहुंच जाती है। कुछ देर आराम करने के लिए स्मृतिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो तो बहुत ही परेशान होकर वहाँ पर बैठी हुई थी और अपने बेटे कुकू के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे अपने बेटे कुकू के लिए एक नई वर्दी और एक नया बैग खरीद सके। तभी सुंदरी चिड़िया को एक आवाज़ आती है, अरे सुंदरी चिड़िया, तुम परेशान क्यों बैठी हो? क्या बात है, बताओ तो सही मुझे। जब सुंदरी चिड़िया उस आवाज़ को सुनती है तो इधर उधर देखती है। उसे तो कोई पता नहीं चलता कि यह आवाज़ कहाँ से आई है। फिर सुंदरी चिड़िया आगे से बोलती है, अरे कौन हो तुम और कहाँ पर बात कर रहे हो? मेरे सामने तो आओ ज़रा। अरे सुंदरी चिड़िया, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। देखो, तुम्हारे सामने जो पेड़ है वो मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? सुंदरी चिड़िया फिर सारी बात उस पेड़ को बताती है कि उसको अपने बेटे के लिए एक नई वर्दी और एक नए बैग की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, वो कहाँ से खरीद कर लाए। फिर पेड़ जब सुंदरी चिड़िया की बात को सुनता है तो उसको सुंदरी चिड़िया पर बहुत ही दया आ जाता है। अरे सुंदरी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक तुम्हें चीज़ देता हूँ। तुम उस चीज़ को बहुत संभाल कर रखना। अगर तुम उस चीज़ को संभाल कर रखोगी तो तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। अरे पेड़ जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप मुझे देना चाहते हो? अरे सुंदरी चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ देने लगा हूँ। ये ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर सोने के सिक्कों की गुथलियाँ लगती हैं और ये पेड़ बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। बस तुमने इस पेड़ की हिफाजत करनी है। इसको ले जाओ और जाकर अपनी ज़मीन में उगा देना। जब ये पेड़ बड़ा होगा तो ये तुम्हें सोने के सिक्के देगा। देख लेना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी एक दिन। जब सुंदरी चिड़िया उस छोटे से पेड़ को देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। सुंदरी चिड़िया फिर उस पेड़ का शुक्रिया अदा करती है, अरे जादुई पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरी मदद की, आपने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। अरे नहीं नहीं सुंदरी, तुम इतना हमें शर्मिंदा मत करो। एक टाइम पर तुम भी हमारी मदद किया करती थी। जब हम बहुत छोटे होते थे तो तब तुम हमें पानी दिया करती थी और हमारी हिफाजत करती थी। आज देखो, ऊपर वाले ने हमें भी मौका दिया है कि हम भी तुम्हारी मदद कर सकें। बस ये तो आपका एहसान था हम पर जो कि हमने उतारना था। अच्छा पेड़ जी, अब मैं चलती हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है। मेरा बेटा कुकू घर में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर सुंदरी चिड़िया उस पेड़ को लेकर अपने घर के सामने एक ज़मीन में उगा देती है या ऐसा करती है। उस पेड़ को लगाकर वापस अपने घर चली जाती है। अरे कुकू मेरे बेटे, आज मुझे एक बहुत ही कीमती चीज़ मिली है जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, सुबह ही बताऊंगी मैं अपने बेटे को। मम्मा, कौन सी ऐसी चीज़ मिली है जो कि मुझे आप अभी नहीं बता रही? और आपने कहा था कि आज मैं अपने बेटे के लिए नई वर्दी और नया बैग लेकर आऊँगी, आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए। कुकू मेरे बेटे, मैं अपने बेटे को सुबह हर चीज़ लेकर दूँगी। आज वो चील के पास कुछ पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने फिर यही किया कि वापस आ गई और मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह अपने बेटे को ले दूँगी। अच्छा मम्मा, जैसा आपको अच्छा लगे फिर आप लोग वैसा ही कर लेना। फिर ऐसे ही रात हो जाती है, रात तो गुजर जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, अरे कुकू मेरे बेटे, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मम्मा, क्या चीज़ है? आप रात को भी मुझे कह रही थी कि आपको मैंने एक चीज़ दिखानी है। तभी सुंदरी चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर जब बाहर आती है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ हो चुका था और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्कों की गुथलियाँ भी लग चुकी थी। जब सुंदरी चिड़िया का बेटा यह देखता है तो वह अपनी मम्मा से कहता है, अरे मम्मा, ये क्या है? इसके ऊपर तो इतने ज़्यादा सोने के सिक्के भी लगे हैं और ये तो अचानक यहाँ पर कैसे हो चुका है? कुकू मेरे बेटे, अब तुम खामोश हो जाओ। अब तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, यहाँ पर तुम एक थैली उतारो और जाकर उसकी चीज़ ले लो। अब तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब तुम जो चीज़ चाहोगे मैं वही अपने बेटे को लेकर दूंगी। लेकिन मम्मा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ये पेड़ आया कहाँ से?
फिर सुंदरी चिड़िया सारी बात अपने बेटे कुकू को बताती है कि जब वो पेड़ बिल्कुल छोटे से थे तो सुंदरी चिड़िया उनको पानी दिया करती थी और उनकी हिफाजत करती थी। आज वो पेड़ जब बड़े हुए हैं तो उन्होंने सुंदरी चिड़िया की मदद की। देखो कुकू मेरे बेटे, तुम्हारी कोई भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। मैंने उस वक़्त उन पेड़ की थी और उनकी मदद की, ऊपर वाले ने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं किया। आज उसने मेरी मेहनत का फल मुझे काफ़ी सालों के बाद दिया है। हाँ मम्मा, वो पेड़ तो फिर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपकी मदद की। हाँ कुकू मेरे बेटे, ये सब ऊपर वाले की वजह से हुआ है। ऊपर वाला कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और उसका बेटा, वो दोनों बहुत ही अमीर हो जाते हैं। अब तो उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे भी आ चुके थे और वो उन पैसों से अपना एक नया घर खरीद लेते हैं और अपने बेटे को सुंदरी चिड़िया नए नए खिलौने और नई नई चीज़ें खरीद कर देती है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी में रहना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि आपकी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती, चाहे वो आपने कहीं पर भी की हो। लेकिन हो सकता है कि आपको उसकी मेहनत उस मेहनत का फल मिलने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।